जातीय जनगणना पर गरमाई देश की सियासत, बिहार से उठी मांग, दिल्ली में पीएम मोदी तक पहुंची। जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश के साथ पीएम से मिल रहे 10 दलों के नेता, तेजस्वी भी साथ। जातीय जनगणना पर दिल्ली में साउथ ब्लॉक में पीएम मोदी की नीतीश समेत 10 राजनीतिक दलों के नेताओं संग बैठक। पीएम नीतीश कुमार बोले, जातीय जनगणना पर बीजेपी को नहीं होनी चाहिए ऐतराज, पीएम मोदी पर छोड़ा अंतिम फैसला। आदरणीय प्रधानमंत्री से समय मांगा हम लोगों ने, यही जो कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना, तो इसी के लिए हम लोगों की मांग है। तेजस्वी यादव बोले, जातिगत साइंटिफिक डेटा सामने आने से गरीबों का होगा कल्याण, बजट में उनके लिए किए जाएंगे खास प्रावधान। तेजस्वी ने कहा, जातिगत जनगणना से भेदभाव नहीं बढ़ता, पड़ती है अमीरी गरीबी के बीच की खाई। जातिगत जनगणना की हिमायत में तेजस्वी यादव ये तक कह गए कि जब कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधों तक की अलग अलग कैटेगरी में होती है गणना, तो जातिगत जनगणना में हर्ज क्या। कुत्ता बिल्ली की जनसंख्या को गिना जाता है, पेड़ पौधों को गिना जाता है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। धर्म की होती है, एससी एसटी का होता है, तो उसमें एक नया कॉलम तो है। बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी पहुंचे साउथ ब्लॉक, विजय चौधरी भी साथ। दिवंगत बीजेपी नेता कल्याण सिंह का आज बुलंदशहर के नरोरा में होगा अंतिम संस्कार, शनिवार को लखनऊ में हुआ था निधन। अहिल्याबाई स्टेडियम से नरोरा के लिए रवाना हुई कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा, नरोरा के गंगा घाट में दी जाएगी मुखाग्नि। कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, अंतिम विदाई यात्रा में रहेंगे मौजूद। अंतिम संस्कार में लगेगा बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि, कहा भगवान राम दे दिवंगत नेता को चरणों में स्थान। रविवार को लखनऊ से अलीगढ़ के लिए अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम लाया गया था कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर, रात भर जारी रहे अंतिम दर्शन। मायावती और अखिलेश यादव ने भी दी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि, 24 अगस्त तक बीजेपी के सभी कार्यक्रम रद्द। कल्याण सिंह के निधन पर यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक, आज सारे स्कूल कॉलेज दफ्तर रहेंगे बंद। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कल्याण सिंह के नाम पर होगा अयोध्या में राम जन्मभूमि तक जाने वाली सड़क। अयोध्या जी में, लखनऊ में, अलीगढ़ में, एटा में, बुलंदशहर और प्रयागराज में बाबूजी के नाम से एक एक महत्वपूर्ण सड़कों का नामकरण किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस के चीफ सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह ने फिर खड़ा किया बवाल, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया इंदिरा गांधी का विवादित कार्टून। मलविंदर सिंह की पोस्ट पर कैप्टन अमरिंदर ने जताई कड़ी नाराजगी, कहा देश की शांति के लिए खतरा। सिद्धू के सलाहकार पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान, कश्मीर को बताया था अलग मुल्क। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला के घर पर कल गुपकार गठबंधन की बैठक, सूबे के भविष्य और आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। पुलिस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी, दोनों गुटों पर बैन लगा सकता है केंद्र। छपरा में जहरीले कोबरा से एक युवक को खिलवाड़ पड़ा महंगा, राखी बांधने के तमाशे के दौरान सांप ने युवक को टसा, कुछ देर में हुई मौत। युवक 10 सालों से सांपों को रिहायशी इलाके से रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ने और सांप काटने पर झाड़फूंक का करता था काम, लेकिन लापरवाही ने ली उसी की जान। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक महिला से महिलाओं ने ही की बर्बरता, घर से बाल पकड़कर घसीटते हुए निकाला, बचाव के लिए दुहाई देती रही महिला। महिलाओं ने पीड़िता पर जमकर बरसाए डंडे, अवैध संबंधों का लगाया आरोप। हमीरपुर में एक युवक की शराब की लत ने उजाड़ा परिवार, पति की नशे की लत से तंग आकर पत्नी ने मासूम बेटे की हत्या कर की खुदकुशी। अफगानिस्तान से 104 और यात्रियों को भारत लाया गया, दोहा के हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर दिल्ली पहुंचा विमान। दोहा से आए विमान से 30 लोग दिल्ली पहुंचे, बीती रात 1:55 पर लैंड हुई फ्लाइट, जो कि एयर इंडिया के विमान से भी अफगानिस्तान से भारत आया एक यात्री।
दोहा से एक विमान पहुंचा दिल्ली। इंडिगो के इस विमान में अफगानिस्तान से आए 11 यात्री। विस्तारा की फ्लाइट भी आज दोहा के रास्ते कुछ लोगों को अफगानिस्तान से लेकर आ रही है दिल्ली। अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचने वालों का एयरपोर्ट पर हो रहा है आरटीपीसीआर टेस्ट। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही घर जाने की छूट। बच्चों को एयरपोर्ट पर दी जा रही है पोलियो ड्रॉप्स। रविवार को दो अफगान सांसदों समेत 400 यात्रियों को अफगानिस्तान से भारत लाया गया। सभी को पीएम मोदी का अदा किया गया शुक्रिया। अफगानिस्तान में विद्रोहियों के गढ़ पंजशीर तक पहुंचा तालिबान। अहमद मसूद और समर्थकों को दी हथियार डालने या अंजाम भुगतने की धमकी। विद्रोहियों के नेता अहमद मसूद की तालिबान को खुली चुनौती। कहा जंग नहीं चाहते लेकिन हमला हुआ तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लड़ाई सिर्फ पंजशीर तक नहीं पूरे अफगानिस्तान के लिए। अहमद मसूद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मांगी मदद। कहा जाति के खिलाफ अफगानों का देश साथ। अफगानिस्तान के अन्य प्रांतों से तालिबान विरोधी पहुंच रहे पंजशीर विद्रोही नेता मसूद ने दी है शरण। अफगानिस्तान में जल्द नई सरकार के गठन की तैयारी। तालिबान की अफगान नेताओं से जारी है बातचीत। लंदन में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन। अफगानिस्तान के लोगों के समर्थन में लहराए गए पोस्टर बैनर। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग में 7 की मौत। इलाके में अभी भी अफरा तफरी। काबुल एयरपोर्ट के हालात के लिए तालिबान ने अमेरिकी फौज को ठहराया जिम्मेदार। कहा देश में बाकी जगहों पर शांति। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बाइडन को बताया अफगानिस्तान के हालात का जिम्मेदार। कहा विदेश नीति की सबसे बड़ी शर्मिंदगी। अमेरिका तेज करेगा अफगानिस्तान से लोगों को निकालने का अभियान। राष्ट्रपति बाइडन के मुताबिक मददगार रहे अफगानियों को भी अमेरिका में दी जाएगी जगह। अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री गुल आगा सिरजाई ने तालिबान के आगे टेके घुटने। तालिबान में हुए शामिल। अफगानिस्तान संघ पर ब्रिटिश पीएम ने बुलाई G7 की इमरजेंसी बैठक। 24 अगस्त को बनेगी बड़ी रणनीति। अफगानिस्तान के मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से चर्चा करेंगे सहयोगी देश। लोगों को बाहर लाने समेत कई मुद्दों पर हो रहा है टकराव। अफगान के हालात से अब रूस को भी चिंता। राष्ट्रपति पुतिन बोले रूस में नहीं जाते अफगानी आतंकी। अफगानिस्तान में हिजाब और पगड़ी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। तालिबान की वापसी के बाद तेजी से बढ़ी मांग। अफगानिस्तान से रेस्क्यू के दौरान अफगान महिला ने दिया बच्ची को जन्म। अमेरिकी सेना का दावा C-17 विमान में हुआ जन्म। भारत लौटे लोगों ने बयां किया अफगानिस्तान का हाल। बोले खतरनाक स्थिति। लोगों को पीट रहे हैं तालिबानी। कई लोग अभी भी काबुल एयरपोर्ट पर फंसे। तालिबान की दहशत के चलते देश छोड़ने के लिए मदद का इंतजार। अफगान वायुसेना की पहली महिला पायलट निलुफर रहमानी को डर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए विमान सेवा स्थायी रूप से रद्द की लेकिन तालिबान को लगातार दे रहा है समर्थन। किसान आंदोलन के चलते सड़क पर हो रही मुश्किलों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी और हरियाणा सरकार की याचिका। गन्ने के बकाया भुगतान के लिए जलंधर में किसानों का 3 दिन से चक्का जाम। रेल यातायात भी रोका गया। रविवार को किसान और कैप्टन सरकार की बातचीत रही बेनतीजा। आज दूसरे दौर की बैठक। फतेहाबाद में अम्बेडकर प्रतिमा पर जारी तनाव को लेकर अब तक नहीं बनी है बात। पंचायत में मूर्ति का अपमान करने वालों की गिरफ्तारी की मांग। बर्दवान में टीएमसी के 2 गुटों में सरकारी कैंप को लेकर झड़प। दोनों पक्षों ने की मारपीट और तोड़फोड़। खरगोन में ताजिया जुलूस के दौरान कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। रोकने पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की। बिना इजाजत बदला गया ताजिया जुलूस का रास्ता। बुर्दन के आरोप में 31 नामजद समेत 100 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई के लिए दुर्गा फोर्स का गठन। 32 महिला पुलिसकर्मियों को दी जाएगी कमांडो ट्रेनिंग। दिल्ली को आज मिलेगा पहला एंटी स्मॉग टावर। कनॉट प्लेस में सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के समर्थक फहीम नजीर शाह श्रीनगर से पैदल यात्रा पर निकले। दिल्ली में पीएम से मिलने का इरादा। मुंबई की मेयर किशोरी पंडेकर का बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर निशाना। कहा आशीर्वाद नहीं धोखा यात्रा। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कैमूर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ऊर्जा मंत्री आरके सिंह। बोले बीजेपी देश की पार्टी किसी एक जाति की नहीं। अरुणाचल के दबांग वैली में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लोगों से की मुलाकात। जन आशीर्वाद रैली का किया समापन। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बक्सर पहुंचे केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री अश्विनी चौबे। कहा गरीबों के कल्याण के लिए बड़ी योजना बना रही सरकार।
भागलपुर महिला कॉलेज में खुले बालों पर बैन, छात्राएं बोली तालिबान जैसा कानून। दिल्ली में कोरोना प्रतिबंधों में बढ़ी रियायत, आज से रात 8 बजे के बाद भी खुल सकेंगे बाजार। गोवा में 30 अगस्त तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, कैसीनो, क्रूज शिप और पार्लर पर जारी रहेगी पाबंदी। कर्नाटक में आज से खुलेंगे स्कूल, सिर्फ 9वीं से 12वीं के छात्रों को इजाजत। कोरोना प्रतिबंधों के चलते बोधगया में सादगी से मनाया गया बौद्ध उल्लंबना समारोह, गरीबों के बीच हुआ मुफ्त राशन वितरण। अमरनाथ गुफा में सादगी से की गई समापन पूजा, कोरोना की वजह से यात्रा की गई थी रद्द। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 24 नए केस, किसी मरीज की मौत नहीं। हरियाणा में 6 सितंबर तक बढ़ाया गया कोविड प्रतिबंध, मनोहर लाल सरकार का फैसला। वडोदरा के अस्पताल में गरबा डांस, एक भी कोरोना मरीज नहीं होने की मनाई गई खुशियां। कोयम्बटोर में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए सामने आए ट्रांसजेंडर, लोगों को पौधे बांटकर किया जागरूक। पुदुचेरी के सीएम एन रंगास्वामी ने लगवाया कोरोना टीका, आवास पर ही हुआ वैक्सीनेशन।